इस वक्त आधे से ज्यादा भारत बाढ़ की चपेट में है। उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण लोग अपने घरों में कैद हैं। कई जगहों पर हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बचाव कार्य भी मुश्किल हो रहा है। देश में बाढ़ की मार की ताजा तस्वीरें। हिंदुस्तान परेशान, चीन परेशान, अमेरिका भी परेशान। सबकी परेशानी का एक ही नाम, आसमान से बरसती आफत। बाढ़ की ऐसी तस्वीर जो आपको डरा दे, ऐसी बाढ़ जो सब कुछ बहा ले जाए। बारिश, बाढ़ और आफत। गुजरात के वलसाड़ में बारिश के कहर की तस्वीरें देखिए। घर का सारा फर्नीचर पानी में डूबा है। बाहर बारिश हो रही है और घर एक मंजिल तक डूबा है। वलसाड़ के रिहायशी इलाकों में लोगों के घरों में बारिश का गंदा पानी भर गया है। एहतियातन लोगों ने घर का सामान सुरक्षित जगह पर रख दिया है। तस्वीरें देखकर आपको हालात का अंदाजा लग गया होगा। बारिश का गंदा पानी जब घरों में घुस जाए तो कैसे गुजर बसर हो रही होगी। गुजरात के नवसारी में घुटनों तक पानी भरने से लोग परेशान हैं। सड़कों पर इतना पानी भरा है कि वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। देखिए कैसे रिहायशी इलाकों में भरे पानी में से लोग ऑटो रिक्शा को धक्का देकर निकाल रहे हैं। नवसारी इलाके में सभी पुलों पर चेतावनी भी दी गई है कि पुल पर पानी अगर एक फीट से ऊपर आ जाए तो पुल पार ना करें। बारिश की वजह से नालों और नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया है, जिस वजह से पानी पुल तक आ गया है। गुजरात के सूरत में बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। जगह जगह जल भराव होने से यातायात प्रभावित हुआ है। सूरत में भारी बारिश के चलते जल भराव की तस्वीरें सामने नजर आ रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं सूरत जिले के 84 तालुका में आए हुए भाणोदरा गांव में। सामने देख सकते हो सणिया कणदे गांव है और इस तरफ भाणोदरा गांव है। खाड़ीपुर आने की वजह से आप यहां पर जो ब्रिज है यहां पर पानी से लथपथ हो चुका है। हालांकि यहां के जो स्थानीय लोग हैं सामने गांव में नहीं जा सकते, उसकी वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये नज़ारा खाड़ीपुर की वजह से यहाँ के लोग हैरान परेशान है। गुजरात के अहमदाबाद में बीती रात से बारिश हो रही है। देखिए कैसे सड़कें बारिश के पानी में डूब गई हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मयूर परीख अहमदाबाद की सड़कों पर जायजा लेने पहुंचे। तेज बारिश ने पूरे गुजरात को भिगोकर रख दिया है। कच्छ से लेकर सूरत, नवसारी और वलसाड़ तक तेज बारिश जारी है। मैं इस समय अहमदाबाद इलाके में मौजूद हूं और यहां पर हम देख सकते हैं कि नीचाई वाले इलाकों में जबरदस्त जल जमाव हुआ है। पूरे अहमदाबाद में बीती रात और बड़ी सवेरे ही तेज बारिश हुई और इस तेज बारिश के चलते शहर के नीचाई वाले इलाके, हाईवे और अन्य जगहों पर पानी भर गया। सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं बल्कि कच्छ के रापर में भी तेज बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश हुई है नवसारी जिले में, सूरत जिले में और वलसाड़ जिले में। वलसाड़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 11 इंच से ज्यादा बारिश हुई है, जिसके चलते कई सारी ट्रेनें जो हैं वो लेट चल रही हैं क्योंकि ट्रैक पर पानी भर चुका है। तालाब में डूब रहा एक युवक। पानी का बहाव इतना तेज कि पलक झपकते ही युवक बह जाए। डूब रहे युवक को बचाने के लिए पहले एक लड़का पानी में उतरा, लेकिन फिर दूसरे युवक ने पेड़ के सहारे तालाब के पानी में उतरकर डूब रहे शख्स को हाथ देकर खींच लिया। तस्वीरें मुंबई के पवई की हैं, जहां अंबेडकर गार्डन के वाटरफॉल में कुछ युवक तैरने गए थे, लेकिन उनमें से एक युवक तालाब में गिर गया। बारिश की वजह से तालाब में पानी का बहाव काफी तेज था, जिस वजह से लड़का डूबने लगा। लेकिन साथ आए दो लड़कों ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लिया।
ये तस्वीरें डरा रही हैं, लेकिन चेतावनी भी दे रही हैं कि बारिश और बाढ़ जैसे हालात में तालाब, नदी या फिर नाले में उतरना जान को जोखिम में डालने जैसा है। ये तस्वीरें मुंबई से सटे भिवंडी की हैं, जहां नदी नाले बारिश की वजह से उफान पर हैं। सड़कों पर बारिश का पानी भर आया है, जिस वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। देखिए कैसे रिहायशी इलाकों के पास से पानी का सैलाब बह रहा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में घरों के आगे से नदियां बह रही हैं। बारिश के पानी की वजह से हुए जलभराव से इलाका जलमग्न हो गया है। लोग घर और दुकानों के सामान को डूबने से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। मौसम विभाग ने पूरे महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर भारी बारिश की आशंका जताई है। आसमान पहले ही इतना पानी बरसा चुका है कि अगर और बारिश हुई तो फिर हालात गंभीर हो सकते हैं। पानी का ये सैलाब सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। पहाड़ों से बहकर आ रहे इस पानी के रास्ते में जो भी कुछ आया वो पानी के साथ ही बह गया। चंद सेकेंड्स में मिट्टी से भरे बाढ़ के पानी ने पेड़ पौधों से भरे इलाके को नदी बना दिया। तस्वीरें दिल्ली से 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के एरिजोना की हैं, जहां बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ है। इलाके में राहत और बचाव का काम जारी है। बाढ़ की वजह से पिकनिक मनाने गए 14 परिवारों के 9 लोगों की मौत हो गई। चीन से आई ये तस्वीरें देखिए, बाढ़ के पानी से उफनती नदी के बीच में ट्रक फंसा है। चारों तरफ उफनता पानी है और ट्रक किसी भी वक्त पानी में गिर सकता है। ट्रक में फंसा शख्स मदद के इंतजार में ट्रक के ऊपर बैठा है और किनारे पर बचाव कर्मी रस्सी के जरिए गोताखोर को पानी में उतारने की तैयारी में हैं। बचाव कर्मियों ने ट्रक पर रस्सी बांधकर गोताखोर को ट्रक पर भेजा और उसकी मदद से ट्रक में फंसे दो लोगों को बचा लिया गया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।